आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। योगा ट्यूटोरियल्स में मैं आपको योग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आप योग के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर सकें। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू योगा, जिसमें मैं आपको योग के बारे में बताऊंगी, योग क्या है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, उसका क्या महत्व है और उसका क्या लक्ष्य है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज योगा? योग क्या है? योग हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्राप्त एक अमूल्य धरोहर है, जिसमें हमारी जिंदगी से जुड़ी हर समस्याओं के हल इसमें छुपे हैं। विजडम ऑफ योगा, यानी कि योग की क्या खासियत है? योग किसी जाति, धर्म, रीति रिवाज, वर्ग, समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि योग सबके लिए है। इसकी ज़रूरत पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व को है और इसकी महिमा अपरंपार है। एसेंस ऑफ योगा, मतलब योग का क्या सारांश है? योग इज द साधना टू अटेन साक्षात्कार थ्रू समाधि। मीन्स इसका मतलब हुआ कि योग समाधि में की गई वो साधना है जिससे आप स्वयं को जान सकते हैं, खुद का साक्षात्कार कर सकते हैं और ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं। ओरिजिन ऑफ योगा, योग शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? योग संस्कृत शब्द युज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जुड़ना, और इसके तीन अर्थ हैं। पहला युज समाधो, जिसका मतलब होता है योग समाधि है। और समाधि किसे कहते हैं? जो ध्यान की उच्च अवस्था होती है उसे हम समाधि कहते हैं। दूसरा अर्थ क्या है योग का? युजर योग, जिसका मतलब होता है जुड़ना, हमारी आत्मा का परमात्मा के गुणों से जुड़ना। तीसरा युज संयम ने, जिसका मतलब होता है कि योग जब हमारी चित्त की वृत्तियों पर काबू पा लेता है तो उसको हम कहते हैं युज संयम ने। एटिमोलॉजिकल डेफिनेशंस ऑफ योगा, मतलब इतिहास में योग की क्या परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा योग की क्या है? युच्यते इताद इति योगः, मतलब कि योग मन की वह स्थिति है जब वह अपनी चित्त की वृत्तियों पर काबू पा लेता है। दूसरी परिभाषा क्या है? युच्यते अनेन इति योगः, मतलब योग वह साधन है जिसके द्वारा वह मन में उठने वाली उन वृत्तियों पर काबू पाता है। तीसरा युज्यते तस्मिन इति योगः, मतलब योग वह स्थान है जहाँ बैठकर एक योगी अपने मन में उठने वाली उन वृत्तियों पर, अपने चित्त की उन वृत्तियों पर काबू पाता है, इसको योग कहते हैं। अल्टीमेट पर्पस ऑफ योगा, योग का क्या लक्ष्य है? योग का लक्ष्य है कि हम अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़कर खुद का साक्षात्कार कर सके और ईश्वर का साक्षात्कार कर सके, ईश्वर को जान सके। ये हमारा योग का परम लक्ष्य है। डिफिनेशंस ऑफ योगा, योग की परिभाषाएं। पहली परिभाषा में महर्षि व्यास जी कहते हैं कि योग समाधि है। दूसरी परिभाषा में पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि योगश्चः चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब योग हमारे चित्त, मतलब हमारे मन में उठने वाली वृत्ति, वृत्ति मतलब हलचल पर काबू पाना ही योग है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्यते, मतलब जब हमारा मन समान रहता है हर स्थिति में, उसको हम योग कहते हैं। दूसरा है योगः कर्मसु कौशलम, जब हम कोई भी काम बिना फल की इच्छा के करते हैं तो उसको हम
योग कहते हैं। चौथी परिभाषा में महापुनिषद में कहा गया है कि योग में वो सभी उपाय शामिल हैं जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। पांचवी परिभाषा कैवल्य उपनिषद में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जब हम अपनी आत्मा को श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के द्वारा जानते हैं, उसे योग कहते हैं। गर्ग उपनिषद में कहा गया है कि योग सबसे बड़ी औषधि है जिससे हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।